हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आज जिस इम्पोर्टेंट केस लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिस केस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली इस केस ने काफी सुर्खियां बटोरी थी और यह केस था पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस जिसमें कि एक जुवेनाइल की गाड़ी से एक एक्सीडेंट होता है और जिस केस में दो लोगों की डेथ हो जाती है और पुणे पौष केस में फिर हमारे पूरे देश भर में जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स ने जो अपने अपने व्यूज उसके बारे में एक्सप्रेस किए थे बहुत सारे लोगों के मन में गुस्सा था और उसके बाद में आपने देखा होगा कि के उस केस में जो थे जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट लॉ जिसको हम लीगल टर्म में कहते हैं उन्हें बेल मिल गई थी और बेल मिलने के बाद में क्या होता है बेल मिलने के बाद जब लोगों का गुस्सा और बढ़ता है तो उसके बाद में उन्हें दोबारा ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया जाता है जो इस केस में प्राइम जुबेनाइल होता है उसको लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज आती है जो कि कल की न्यूज है और वो न्यूज ये कहती है कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस जुवेनाइल को रिलीज करने के ऑर्डर दे दिए हैं सो so, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा एक हेबियस कॉर्पस की रिट में किया है सो so, अब मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि क्या ऐसे किसी ऐसे किसी भी मामले में जिसमें कि जुबेनाइल इन्वॉल्व है रिट ऑफ हेबियस कॉपस को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है ये सब मैं आपको आज के इस वीडियो में और इसके लीगल आस्पेक्ट जो है वो समझाने वाला हूँ तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ कि बॉम्बे कोर्ट में एक रिट पिटीशन जो थी वो किसने फाइल की थी वो रिट पिटीशन जो उस जुवेनाइल की जो पेटर्नल जो आंट है उन्होंने यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन जो थी वो फाइल की थी और बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके उन्होंने क्या डिमांड किया था ये मैं आपको बता देता हूं तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से दो यहां पे मैं रिट्स का आपको रेफरेंस दूंगा अगर आपको रिट्स को समझना है तो ये रिट को समझने में ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है फर्स्ट वन इज हेबियस कॉर्पस हेबियस कॉर्पस और दूसरा रिट ऑफ सर शो है रिट ऑफ सरसोरे राय जिसमें कि वो ये चाह रही थी कि जो ऑर्डर दिया गया था मजिस्ट्रेट का मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो ऑर्डर था बेसिकली उसको कर दिया जाए उसको कैंसिल कर दिया जाए हेबियस कॉपस के बारे में आप सब लोग जानते हैं जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट भी कहते हैं अब जरा सोच के देखिए पेटर्नल आंट यहां पे किसकी है जो यहां पे जुवेनाइल और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो यहाँ पे जुवेनाइल था उस जुबेनाइल को यहाँ पे कहा जाएगा सीसीएल चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विध लॉ और अब उसी के लिए में ये कहा गया। जब हेबियस कॉपर्स की रिट फाइल की गई तो यह कहा गया कि ये बेसिकली वो जो जुबेनाइल है उसके आर्टिकल ट्वेंटी वन और आर्टिकल ट्वेंटी टू आर्टिकल ट्वेंटी वन एंड आर्टिकल ट्वेंटी टू में जो फंडामेंटल राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो यह कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है इसलिए उस जुबिनाइल को क्या कर देना चाहिए दैट इज द रीजन कि उस जुबिनाइल को रिलीज कर देना चाहिए और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अल्टीमेटली कॉपस के रिट को एक्सेप्ट भी कर लिया

क्योंकि ये कहा गया कि जो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस था ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी माना ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह माना कि अभी जो इस मैटर के ऊपर बहुत सारी चीजें अभी और होनी है ये मैटर अभी प्रिमिनरी स्टेजेस में है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिविजन बेंच जो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की थी उस डिविजन बेंच ने यह भी एक्सेप्ट किया कि वो जो विक्टिम थे उनके साथ में उनके साथ में बहुत बुरा हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को भी कंसीडर किया लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने यहां सबसे इंपॉर्टेंस किसको दी है वो दी है रेलेवेंट लॉ को तो यहां पे अगर मैं रेलेवेंट लॉ के बारे में अगर बात करूं तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ इस की रिट को क्यों एक्सेप्ट किया गया ये देखिए सबसे पहले अगर हम एक टाइम को देखें तो हमें टाइम में ये पता लगता है कि सबसे पहले जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सबसे पहले बेल पे रिलीज कर दिया किसको रिलीज कर दिया चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ और चाइल्ड विथ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट लॉ को रिलीज पहले बेल पर रिलीज कर दिया और उसके बाद में क्या किया उसके बाद में जब इतना इतना ज़्यादा जब प्रोटेस्ट हुआ और जो चीजें देखने को मिली तो उसके बाद में क्या हुआ उसके बाद में बेसिकली वो जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ था चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विध लॉ उस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को कहा भेज दिया ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया तो उसके बाद में दो ऑर्डर दिए गए और फिर उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया ऑब्जर्वेशन होम यहां पे जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता देता हूं कि ऑब्जर्वेशन होम बेसिकली क्या होता है

तो बिना बेल के कैंसिल किए ही बिना बेल के कैंसिल किए गए रीअरेस्ट तो किया ही नहीं गया था बेल कैंसिल नहीं की गई थी री अरेस्ट भी नहीं किया गया था और किए बिना ही क्या भेज दिया गया जो जुवेनाइल था उसको यहां पे ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया तो ये एक बेसिकली ग्राउंड था ये एक बेसिकली ग्राउंड था जो ग्राउंड यहां पे पिटिशनर के बिहाफ पे उनकी काउंसिल ने रखा था अब यहां पे मैं आपको दो सेक्शंस बताना चाहूंगा जे जे आठ के जे जे एक्ट के दो सेक्शन के बारे में यहां पे हमें देखना चाहिए जो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो दो सेक्शन है सेक्शन नंबर थर्टी नाइन एंड सेक्शन नंबर वन जीरो फोर सेक्शन नंबर थर्टी नाइन और वन जीरो फोर ये जो दो सेक्शन है इन दो सेक्शन का रेफरेंस यहां पे किसने दिया था इन दो सेक्शन का रेफरेंस यहां पे दिया गया था जो जेजे जे बोर्ड की तरफ से जेजे जे बोर्ड की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जो रेस्पोंडेंट थे उनकी तरफ से ही दिया गया था तो स्टेट की तरफ से इन दो सेक्शन का रेफरेंस दिया गया था और स्टेट ने कहा कि ये दो सेक्शन में हमारे पास में पावर है और हमने अपनी उन्हीं पावर को एक्सरसाइज करते हुए उस जुबेनाइल को कहां भेजा है उस जुबेनाइल को ऑब्जर्वेशन होम में रखा है अब ये स्टेट की साइड से दो सेक्शन दिए गए थे और इसके साथ साथ मैं आपको एक और यहाँ पे सेक्शन बताना चाहता हूं जो सेक्शन आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ सेवन ऑफ सी आर पी सी का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया गया और ये कहा गया कि सेक्शन नंबर वन सिक्स सेवन जहां पे एप्लीकेबल होता है वहां पे हेबियस कॉर्पस को अप्लाई नहीं करना चाहिए तो यहां पे एक जजमेंट का भी रेफरेंस दिया गया ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में और जजमेंट का रेफरेंस देते हुए कहा गया कि जिन केसेस में सेक्शन नंबर सेवन एप्लीकेबल हो रहा है उन केसेस में की रिट जो यहां पर इशू नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर क्या हुआ ये देखिए अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात इस केस में देखी गई कि जो प्रोसिक्यूशन था प्रोसिक्यूशन ने कभी बेल को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की ही नहीं थी ट कोर्ट कोर्ट ने ये माना बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि टेक्निकली अगर हम यहां पे देखें तो प्रोसेस क्या होना चाहिए सबसे पहले बेल कैंसिल होनी चाहिए अब यहां पे जो प्रोसिक्यूशन था यानी कि स्टेट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इन सेक्शन का रेफरेंस दिया सेक्शन नंबर थर्टी नाइन ऑफ द जे जे एक्ट वन जीरो फोर का रेफरेंस दिया महाराष्ट्र के जो जे जे रूल्स हैं उनका भी रेफरेंस उन्होंने दिया लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने इन सारी बातों को इन सारे Logics को कंसीडर किया और साथ में ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एक्ट है, तो है उन बेल के प्रोविजन कोर्ट ने कंसीडर किया और बेल के प्रोविजन कंसीडर करने के साथ साथ यहाँ पे देखा कि बेल किन कंडीशन पे दी गई थी तो कोर्ट ने यह भी माना और अगर मैं आपको यहां बता देता हूं कि अगर किसी पे मकोका भी लगा हो या टाडा भी लगा हो तो भी वहां पे अगर आप उसको रीअरेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए सबसे पहले उसकी जो बेल है वो कैंसिल होनी चाहिए और क्योंकि इस केस में बेल जो थी वो प्रॉपर कैंसिल नहीं हुई थी इसलिए यहां पे वो जो माइनर है उसको रिलीज कर देना चाहिए कोर्ट ने ये माना कि माइनर को जो ऑब्जर्वेशन होम में रखा जा रहा है ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो कोर्ट ने यहां पे ये माना कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और यहां पे क्या हो सकता है यहां कि रिमांड जो है मैंने जैसे कि आपको बताया कि 167 जो है वो यहाँ पे लग सकता है ऑफ़ सीआरपीसी लगाने के लिए यहां पे अप्लाई किया गया था बट कोर्ट ने इस लॉजिक को इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया कोर्ट ने पूरे जे एक्ट का एक ओवरऑल इंटरप्रिटेशन किया जो जे जे बोर्ड की पावर्स हैं उनको एनालिसिस किया और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि वो जो माइनर है उस माइनर को बेसिकली रिलीज किया जा सकता है और कोर्ट ने ये माना कि जब माइनर को बेल पे रिलीज किया गया था उसके बाद में जो उसको ऑब्जर्वेशन होम भेजने के जो ऑर्डर दिए गए थे वो ऑर्डर वैलिड नहीं थे तो कोर्ट ने उन ऑर्डर्स को यहां पे क्या नहीं माना उन ऑर्डर्स को कोर्ट ने यहां पे वैलिड नहीं माना और नहीं मानते हुए कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि वो जो माइनर है उस माइनर को यहां पे रिलीज किया जा सकता है तो ये मैंने बेसिकली आपको यह समझाने की कोशिश की है और साथ में हमें यह नहीं भूलना होगा कि जो जे जे एक्ट के रूल्स हैं महाराष्ट्र के रूल्स हैं उनको भी ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंसिडर किया था परपज मेरा आपको यहां पे यह समझाना है कि किस तरीके से रिट ऑफ हेबियस कॉपर्स है। है, है पे habeas corpus का मतलब क्या हुआ? ये ये आप सब लोग जानते हैं कि 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 बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो याचिका है, जिसमें कहता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट कर रखा है, तो उसको हमारे सामने आपको क्या करना पड़ेगा प्रेजेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे रिट ऑफ हेबियस सक्सेसफुल हो गई जो कि जुवेनाइल के पेरेंटल आंट ने फाइल की थी रही बात एक रिट मैंने बताई रिट ऑफ सरशो रे राय उसका भी यहां पे यूज करने की कोशिश की गई थी जिसमें कि यह कहा गया था कि यह जो ऑर्डर पास किया गया था यह ऑर्डर क्योंकि वैलिड नहीं था तो इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाए ऑर्डर कौन सा साइल को ऑब्जर्वेशन होम में भेजने का ऑर्डर लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां पर फिट इस केस को फिट माना रेट ऑफ एब कॉपर्स के लिए और अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए यह ऑर्डर दे दिया कि यस दैट माइनर कैन बी कैन बी रिलीज रीजन रीजन ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही माना कि जो प्रॉपर प्रोसेस था उस प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया तो इसलिए यहां पे आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 21 22 यानी कि पर्सनल लिबर्टी अरेस्ट एंड डिटेंशन और इसके साथ साथ सारे प्रोविजंस यहां पे एप्लीकेबल हो जाते हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन सारे सेक्शन को कंसिडर करते हुए ये बात कही कि दैट माइनर कैन बी रिलीज क्योंकि आप उसकी जो बेल थी उसकी बेल यहाँ पे कैंसिल नहीं हुई थी सो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से इस वीडियो से इस केस के जो लीगल आस्पेक्ट थे वो आपको समझ में आए होंगे इस केस को बताने का पर्पस बेसिकली ये था ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से हमारी जो रिट्स हैं वो काम करती हैं और एक एक्ट से दूसरे एक्ट का किस तरीके से कनेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में आप रिट ऑफ एबीएस कॉपी को पढ़ते हैं और अगर आप आईपीसी में देखेंगे तो इस पूरे केस में सेक्शन नंबर थ्री जीरो फोर आई का अप्लाई किया गया था और उसके साथ में अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को भी लगा देते हैं तो एक इंसिडेंट हुआ है लेकिन इस एक इंसिडेंट में कितने सारे लॉज यहां पे काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको काउंटिंग तो सेवन साथ साथ का रेफरेंस दिया इसके साथ साथ आईपीसी का सेक्शन नंबर थ्री जीरो फोर मोटर व्हीकल एक्ट के भी यहां पे एप्लीकेबल हुए जे जे एक्ट के अलग अलग सेक्शन यहां एप्लीकेबल हुए और इसके साथ साथ जे जे के रूल्स भी इस केस में एप्लीकेबल हुए लेकिन चाहे एक्ट कोई भी हो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिट्स प्रिस्क्राइब है वो एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे किसी भी एक्ट के केस में रोल प्ले कर सकती हैं तो हमें बींग लॉ स्टूडेंट हमें ये समझना काफी इंपॉर्टेंट होगा ये आप लोगों के लिए केस स्टडी है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्ट कोई भी हो लेकिन जब प्रोसेस में लैप्स होता है तो उसका बेनिफिट जो है बेनिफिट दूसरी पार्टी को मिलता है यहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने माना कि बेल को कैंसिल नहीं किया गया था अगर बेल कैंसिल होती या रीअरेस्ट एक प्रॉपर प्रोसेस से किया जाता तो उस केस में शायद ये रिट सस्टेन नहीं कर पाती लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस में जो लैपिस थे उन्हीं बातों को कोर्ट ने कंसीडर करते हुए रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के अंडर जो थी वो बिल अलाउ कर दी ऑल राइट right? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से ये पूरी केस स्टडी समझ में आई होगी और अगर आप हमारे साथ अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहते हैं या फिर आप ए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उत्कर्ष पे हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं तो उत्कर्ष की ऐप ऊपर आपको आर जे के सारे कोर्सेज और इनफैक्ट अगर आप APO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं राजस्थान एपीओ के लिए तो उत्कर्ष की आपके ऊपर आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाएगी जिसमें कि आप एनरोल एनरोल कर सकते हैं सो so, कैसे करना है उत्कर्ष के इन लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज पे तो इसके लिए सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की आपका लिंक मिल जाएगा लिंक पे क्लिक करके आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और आप हमारी लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि आपको मिलते हैं हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स इसके साथ साथ जो भी हम नोट क्लासे बनाते हैं उसका भी एक्सेस आपको प्रॉपर मिलता है और इसके साथ साथ जो टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाते हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं ऑल राइट सो ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी साइड से आपको ये समझाने की कि रिट ऑफ हेबियस कॉपस रिट ऑफ हेबियस कॉपस और पुणे एक्सीडेंट केस आपस में कैसे कनेक्टेड है कैसे जो जस्टिस एक्ट में भी रिट ऑफ हेबियस कॉपस या रिट ऑफ सर्श जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है सो so, जो जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो लीगल तरीके से काम करते हैं राइट और आप हमेशा ये बात जानते हो कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो हमेशा किसी स्टेच्यूट के बेसिस पे ही अपना डिसीजन जो है वो सुनाते हैं अगर आप इस केस के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इस केस के बारे में और डिटेल भी जान सकते हैं सो so, ये था मेरी साइड से एक छोटा सा केस स्टडी वाला वीडियो मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय